नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24 में जाकिर खान जयपुर से। जैसे कि प्रेजेंट में लुणियास बस स्टैंड पर मौजूद थे और वहां पर इतनी भयंकर तरीके से जाम लगता है कि जहां पुलिस प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही को रेड बत्ती है, आए दिन जाम लगा रहता है। ग्रामीणों को इतनी समस्या है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर रेड बत्ती तक नहीं है और रेड बत्ती थी तो उसको चालू नहीं किया गया। आने जाने वाले सभी साधनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, जबकि पहले भी हमने लुणियास की तरफ के बारे में बताया था कि रोड छोटा है मगर अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी होना और जाम लगना, ये इन साधनों से यानी बहुत आश्चर्य की बात है। जबकि प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि मेन चौराहा है, तीन तरफ रोड क्रॉस है लुणियावास बस स्टैंड बार। अब देखिए यहाँ की पब्लिक इस तरह परेशान है कि देखिए पार्षद से भी हमारी बातचीत हुई, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी छोटेलाल मीणा जी हैं, उन्होंने उनसे भी बातचीत की हमने इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पर जाम की व्यवस्था इतनी क्यों रहती है। सर बताएं एक बार। मैं पार्षद छोटू राम मीणा। यहाँ पे शाम के टाइम इतना भयंकर जाम लगता है कि जैसे कोई एम्बुलेंस या कोई बारात बस जाए, बीच में आ जाए ना, तो ये गारंटी नहीं है कि भाई वो कब तक निकल पाएगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण है थड़ी ठेले और ये गन्ने के जूस और दुकानदारों की तरफ से बहुत सारा भारी सामान निकालने से। ये जो 100 फीट का रोड है, मौके पे 30 फीट का भी नज़र नहीं आ रहा, 30 फीट ही, बाकी सब लोगों ने कवर कर लिया। इस वजह से जाम की स्थिति है। अतः आपके मीडिया के माध्यम से हमारा ये प्रशासन को संदेश देना है कि इस पे बड़े साधन जो बजरी के डंपर ट्रक रही है टोल बचाने के लिए इधर से निकलते हैं, उनको बंद किया जाए और आने वाले समय में इसमें डिवाइडर डाल के और इस रोड को उस हिसाब से अगले कट से खोला जाए जिससे इसका उचित समाधान हो सके। यहाँ पर देखा जाता है कि यानी अतिक्रमण, जो दुकानदारों का शहर के अंदर बोला जाता है, यानी अतिक्रमण एक तरह से दुकानदारों का अतिक्रमण और एक तरफ यानी रोड पे गाड़ी खड़ी करना, इन दोनों की वजह से ही ट्रैफिक जाम होता है। अगर इस चीज़ पर प्रशासन ध्यान दे तो हो सकता है कि रोड पे जाम लगना बंद हो जाए। और दूसरी प्रोसिंग क्या है कि यहाँ रेड बत्ती होना जरूरी है, क्योंकि बड़े साधन निकलते हैं, हाईवे के तौर पे आता है लुणियास बस स्टैंड। प्रशासन को और नगर निगम को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि अतिक्रमण जयपुर शहर से कब हटेगा। पहले भी हम कई न्यूज़ दे चुके हैं, आवाज़ नहीं 24 हमेशा आवाज़ सच्ची आवाज़ दिखाता है पब्लिक के लिए और दिखाता रहेगा। जबकि इन चीज़ों में अतिक्रमण इतना है जयपुर शहर के अंदर, नगर निगम प्रशासन कब जागेगा इस चीज़ के बारे में हम कह नहीं सकते, मगर हमारा आश्चर्य है कि हम प्रशासन के ऊपर वजन दे सकते हैं। मीडिया का जो काम है वह कह सकता है, कर सकता है, दिखा सकता है, मगर प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल है आवाज़ न्यूज़ 24 में जाकिर खान जयपुर से। जैसे कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे पास में और लुणियावास बस स्टैंड पर हम मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। सर आपके यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम लगता है उन चीज़ों को किस तरह से अवैध तरीके से दिखाया जाता है, खनन के बारे में जो राजस्थान में प्रकोप चल रहा है उस चीज़ को भी हम आपको दिखा रहे हैं, अवैध तरीके से यानी खनन सप्लाई हो रही है। प्रशासन यहाँ भ्रष्टाचार नज़र आता है मेरे को कि कोई पुलिस प्रशासन नहीं रहता है, अवैध तरीके से खनन सप्लाई की जाती है, उस चीज़ पर भी पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पर देखिए व्यापार मंडल अध्यक्ष से हम बात करते हैं कि सर आपके यहाँ पर जाम की कैसी व्यवस्था रहती है, क्यों लगता है इतना? ये लुणियावास मार्केट भाई साहब देखी जाए तो चार बड़ों का संगम है। यहाँ वार्ड नंबर 121, 22, 23, 24 चारों वार्डों का चौराहा होने के बावजूद भी देखिए आपके सामने कितनी बड़ी समस्या है। पिछले 5 साल से लाइट बत्ती लगी हुई है, बत्ती चालू नहीं हुई है, प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है। यहाँ बड़े बड़े ट्रक आते हैं इंडियन ऑयल कंपनी से लेके और भी कई कंपनियों के, जबकि पीछे से रोड बड़ा टोल के चक्कर बचाने के चक्कर में जैसे निकलते हैं, भारी भारी वाहन आते हैं बहुत, जिनमें ईंटें भरी होती है और रोड पत्थर आते हैं, इससे हमेशा आयोजित दुर्घटना की संभावना रहती है। उसके अलावा जो पास में से इधर से रोड जा रहा है लुणियावास, ये एक निजी रोड है, पर्सनल गांव का रोड है, उसके अंदर भी पब्लिक के बड़े ट्रक आते हैं तो आए दिन बड़ा जाम लगता है। आपके प्रशासन के माध्यम से अवगत करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं हम व्यापारी इसका आंदोलन करेंगे, इसके लिए सरकार प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो जैसा कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि अगर इस चीज़ पर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो हम जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेड बत्ती की व्यवस्था नहीं है, अवैध खनन निकलते हैं, बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं जो हाईवे के लिए जाते हैं, वे टोल से बचने के लिए हमारे यहाँ से क्रॉस होते हैं। प्रशासन को इन चीज़ों पर नज़रअंदाज होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरह से रेड बत्ती चालू की जाए जिससे कि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके और इस रोड पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, जो कि रोड पर चलने वाले साधनों को असुविधा का सामना